खबर जबलपुर से है, जहां 5 दिनों से बरेला से एक युवती लापता हो गई। पुलिस के सीसीटीवी कैमरे में लड़की नहर के पास नजर आई, उसके बाद लड़की का कुछ भी नहीं पता चला। बताया जा रहा है कि नहर के पास युवती की चप्पल और छात बरामद हुआ है। पुलिस ने युवती के नहर में कूदने की आशंका जताई है, जिसको लेकर 3 दिनों से रेस्क्यू टीम नहर में तलाश कर रही है। परिजनों की माने तो पुलिस सही ढंग से मामले की जांच नहीं कर पा रही है। परिजनों का कहना है कि 2 से 3 दिनों में हमारी बेटी की जानकारी नहीं लगी तो पुलिस थाना और रोड का चक्का जाम करेंगे और पूरे संगठन एकत्र होकर उग्र से उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। 25 तारीख को रूबी झारिया नाम की लड़की थी, जिसकी उम्र 24-25 साल की थी, जो बरेला क्षेत्र सीसीटीवी फुटेज से देखा गया था नहर की तरफ आते हुए, जो यहाँ लगातार नहर में रेस्क्यू लगाकर सर्चिंग की जा रही है। हम लोग पिछले 4 दिनों से रेस्क्यू कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सुराग नहीं लगा है कि कहाँ तक, मतलब कहाँ पर बॉडी है या क्या है। तो अभी सर्चिंग जारी है, अभी हम लोग सर्चिंग करके ही आए हैं, बट ऐसा कुछ अभी समझ में नहीं आया कि बॉडी कहाँ फंसी हो सकती है, क्या है। 3:30 बजे उनका फोन आ गया रहा, तो वे चली गई। अब घर से चली गई तो हम सोचे कि अब जो 9:30-8 बजे आएगी, तो 8:30 बजे घर नहीं आई, तो हमारा छोटा वाला बेटा गया कि मिली मैं देखवे, तो वहाँ नहीं मिली, तो उन्हें बोले चली गई है। फिर बाद में दोबारा फिर गए तो फिर मोबाइल मिला उनका, तो एक बाद में फिर हम ढूंढ ढूंढ मचा रहे कि कहाँ है कहाँ, फोन लगाए सब जगह सहेली के पास, तो वहाँ भी नहीं कोई पता मिला। फिर किनाल तरफ ही ढूंढे, फिर रिपोर्ट करी। आज जैसे कि सभी को पता है कि आज मतलब 5 दिन हो गए उस बच्ची को घूमे हुए रूबी झारिया को, क्योंकि पुलिस का जो ढुलमुल रवैया था उस रवैये के हिसाब से इन्होंने 5 दिन आनाकानी या जो भी इनने प्रयास किए, जहाँ तक प्रयास किए उससे परिवार को समाज को नगर सभी आज आक्रोशित था। इस विषय को लेके आज झारिया समाज संगठन मेहरा समाज ने ज्ञापन सौंपा और उन्हें 3 दिन का अल्टीमेटम भी दिया हुआ है कि अगर 3 दिवस के अंदर बच्ची का सही ढंग से पता या ऐसी कोई विशेष जानकारी ना लगी तो नगर में नगर की समस्त सामाजिक संस्थाएं, झारिया समाज संगठन और राजनीतिक दल मिलके उग्र आंदोलन करेंगे। उसमें चक्का जाम भी किया जाएगा थाने के सामने, क्योंकि जिस हिसाब से जांच चल रही है उससे परिवार भी आक्रोशित है, नगर भी आक्रोशित है।